ये जो मैं मेमोरी डालने जा रहा हूँ वो एम गार्ड का है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ एम गार्ड का मेमोरी कैसा होता है। हो सकता है ये ब्रांड आपके लिए नया हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही पुराना है। मेरे यहाँ बहुत ही फेमस है एम गार्ड। आप देख सकते हैं, आपको एम गार्ड लिखा हुआ दिखेगा। ये 100 GB का मेमोरी है। अब मैं इसको इस सिस्टम में इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए एक मेम्ब्रेन हाउसिंग में मैं इसको डाल देता हूँ। शुरू में हम इसको वॉश भी करेंगे, अच्छा से इसको ट्विस्ट करके बैठा देंगे। और ये अंदर नहीं जा पा रहा है, मैं देखता हूँ क्यों नहीं जा पा रहा है। ये और लगता है ये इतना ही जाएगा। चाहे जो भी हो, अगर मैं इसका कवर टाइट करूँगा तो अगर इसको अंदर जाना होगा तो खुद ब खुद चला जाएगा। देखिए, मैं इसके कवर को इस पर टाइट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये बूस्टर पंप से पानी आ रहा है। इसका फोर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो मैंने बूस्टर पंप डाला है वो हाईटेक का डाला है, काफ़ी अच्छा फ्लो है। देखिए, पूरा दबाने के बाद भी इतना पानी निकल ही रहा है, यानी कि। और आप देखिए, इससे जो रिजेक्ट वाटर है वो आने लगा है। तो थोड़ा सा पानी को रिजेक्ट होने देंगे। और इसमें मैंने जो SMPS डाला है वो ब्लू शेप का डाला है। देख सकते हैं, यहाँ ब्लू शेप लिखा हुआ है इस SMPS के ऊपर। और इसमें ब्लू शेप का सेडिमेंट और ब्लू शेप का ही कार्बन फिल्टर लगा हुआ है। 650 का फ्लोरोस्टिक्टर मैंने इसमें डाला है। और इसमें जो सोलनॉइड बल्ब है वो इधर लेफ्ट साइड में है, अंदर में वो SLC का है, SLX ब्रांड का, सैन लेगजिन का। इस मेम्ब्रेन का परफॉर्मेंस मैं इस 650 फ्लोरोस्टिक्टर के साथ ही आपको चेक करके दिखलाता हूँ। इससे जो रिएक्शन हो रहा है उसका आप देख सकते हैं धार कितना तेज है। मैं अब दिखाता हूँ इससे जो प्योर वाटर आता है उसका फ्लो कैसा है। और ये रहा प्योर वाटर का फ्लो। जब तक मैं इसको इसमें लगा देता हूँ, और ये कनेक्टर सही नहीं है। रिजेक्ट वाटर और प्योर वाटर दोनों का फ्लो को मैं आपको दिखाता हूँ। 650 फ्लोरोस्टिक्टर के साथ रिजेक्ट वाटर और 100 GPD एम गार्ड का जो प्योर वाटर का फ्लो आता है उसका। अगर 650 CC का फ्लोरोस्टिक्टर आप यूज करते हैं तो मेम्ब्रेन का लाइफ 2 ईयर्स प्लस होगा। थोड़ा रिएक्शन ज़्यादा होगा, आपको इसका रिजेक्ट वाटर को स्टोर करना चाहिए और बहुत सारे काम में लेना चाहिए, जैसे मॉपिंग करने में, गार्डनिंग करने में, यूटेंसिल वाश करने में। तो जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, ये एम गार्ड का मेम्ब्रेन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसको फ्लोर स्टिक्टर जो 450 CC का आता है, जैसे कि मेरे पास एक है 450 CC का, अगर इसके साथ मैं अगर चेक करूँ तो रिजेक्ट वाटर का परफॉर्मेंस तो कम हो जाएगा, लेकिन प्योर वाटर का स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। और इसको मैं देखता हूँ पहले निकाल के। देखिए, काफ़ी ताकत लगाने के बाद निकला है। अब मैं इस 450 CC के साथ मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्लो कैसा आ रहा है। तो 450 CC के साथ फ्लोरोस्टिक्टर का जो फ्लो है वो भी आप देखिए,
प्रो लाइफ ब्रांड का है ये फ्लोरेस्टिक्टर। और अब देखिए इसका प्योर वाटर का स्पीड, इसका धार पहले से मोटा हो गया है क्योंकि लगभग 200 ml पर मिनट के रफ्तार से इसमें कम पानी आ रहा है और उसके हिसाब से प्योर वाटर का स्पीड बढ़ गया है। तो जनरली रिजेक्ट वाटर आपको कम चाहिए और 450 cc का फ्लोर स्टिक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेम्ब्रेन आपका 2 ईयर्स प्लस चले तो कम से कम आपको 550 या 650 cc का फ्लोर स्टिक्टर यूज करना चाहिए।